और आजकल हर तरफ आगरा के जूतों की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद वोकल फॉर लोकल में आगरा के जूते छाए हुए हैं। एक रिपोर्ट इस पर आपको दिखाते हैं। यह है आगरा के जूते जो विश्व पटल पर छाए हुए हैं। जी हाँ, आजकल हर तरफ सिर्फ आगरा के जूते की चर्चा हो रही है। आगरा के जूते तो पहले से खास थे ही, लेकिन पीएम मोदी ने इसे और खास बना दिया है। दरअसल वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों से पहले अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो शेयर किया। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए वीडियो के जरिए अपनी बात कही और लोगों से लोकल उत्पाद खरीदने की अपील की। पीएम ने जिस वीडियो को साझा किया उसमें आगरा के जूते का जिक्र किया गया है। इससे एक बार फिर से आगरा का जूता देश के पटल पर छा गया है। जिस तरह हर तरफ आगरा के जूतों की चर्चा हो रही है, ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इन जूतों को कैसे तैयार किया जाता है। देश आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है, लगातार वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत पर प्रयास हो रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्पीड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया के नारे पूरे देश में गूंजायमान हैं और प्रधानमंत्री लगातार ऐसे प्रयास कर रहे हैं, उस तरह से प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। अभी जो सोमवार को एक ट्विटर पर जो वीडियो शेयर किया वो वास्तव में एक नई स्फूर्ति पैदा करता है। खासतौर से एक छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को लेना और उसके बारे में बताना। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने से क्या आगरा के जूता व्यापार को तरक्की मिलेगी या फिर आगरा का जूता व्यापार सिर्फ विज्ञापन और चर्चाओं का विषय ही बना रहेगा? आगरा के जूते की उन्होंने बात की। आगरा जूते का देश का सबसे बड़ा क्लस्टर है और देश की जो 25% निर्यात होता है वो जूते का, वो आगरा से होता है और देश की एक बड़ी जो 40% जनता जो है कहीं ना कहीं अपना रोजगार इस जूते के उद्योग से चलाती है और उसको आगरा के जूते को GI टैग भी मिला है। और प्रधानमंत्री के इन शब्दों ने और इस तरह के जो वीडियो हैं और निश्चित रूप से लोकल प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहित करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि न केवल 2047 तक, उससे पहले भारत जो है विकसित होगा और आत्मनिर्भर बनेगा। बता दें, आगरा का जूता आसपास के जिलों के साथ साथ देश विदेश में सप्लाई किया जाता है। आगरा में हिंग की मंडी जूता व्यापार के लिए काफी फेमस है। इसे एशिया की सबसे बड़ी जूता मंडी भी कहा जाता है। यहाँ करीब 5,000 से ज्यादा जूते की दुकान मौजूद है और करीब 10 लाख से ज्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि यहाँ अधिकतर हर घर में जूते का काम किया जाता है। टीम न्यूज स्टेट। और गाजीपुर के राजापुर के